हकूक इंसानी और समाजी इंसाफ के जरिए मेंटल हेल्थ की अहमियत को मुल्क के आइन में वाजह तौर से बयान किया गया है भारतीय आइन में सेहत को एक अहम हक के तौर पर तस्लीम किया गया है जिसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटल हेल्थ को इंसान के बुनियादी हकूक़ में शामिल किया गया है जो समाज में उसकी इज्जत और तहफ़ का हिस्सा है इसका मकसद ये है कि हर इंसान को अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत और प्रोटेक्शन के राइट को समझने और महसूस करने का हक होना चाहिए अगर शुमार पर नजर डाली जाए तो 2016 की नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 18 बरस से जायद उम्र के अफराद में से दस ज़हनी अमराज का शिकार हैं कोरोना वबा के बाद ये बात भी सामने आई है कि इस वबा ने लोगों की जहनी सेहत को काफी मुतासर किया है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के साथ साथ भारतीय हुकूमत मुल्क सतह पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रही है मुल्क में सैंतालीस ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दिमागी सेहत के इलाज और देखभाल के लिए मख्तस हैं लेकिन मेंटल हेल्थ की देखभाल और इलाज के शोबे में जिस कानून ने अहम किरदार निभाया है वो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये एक तारीखी कानून है जिसे मुल्क की पार्लियामेंट ने 2017 में पास किया ये कानून मुल्क के हर शहरी को जहनी सेहत की देखभाल और इलाज का हक फ्राहम करता है इस कानून के तहत खुदकुशी को जुर्म करार देने के साथ ऐसा करने वाले की मेडिकल एड पर जोर दिया गया है कानून के तहत गरीबी की सतह से नीचे रहने वाले और बेघर अफराध के लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम किया गया है आज मुल्क में करोड़ों अफरादली बीमारी का शिकार हैं ऐसे में इस कानून की अहमियत को जानना हम सब के लिए नहायत जरूरी है आज की इस पेशकश में इस कानून पर माहरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी अपना मुल्क अपना आइन शक्ति संविधान की नाजरीन आदाब आज की इस पेशकश में आपका इस्कबाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान नाजरीन इंसान की तरक्की में उसकी जिसमानी सेहत से ज़्यादा उसकी जहनी सेहत अहम रोल अदा करती है अगर किसी की जहनी सेहत मुता है या फिर वो मैंटल इनस या मैंटल टाटनेस का शिकार है तो इसका असर ना सिर्फ उस पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है और इसीलिए सिविलाइज सोसाइटीज़ और ज़िम्मेदार हुकूमतें हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उनका हर शहरी जिसमानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो और मुल्क की तमीर में अपना किरदार निभाए आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की आखिर क्या कहता है ये कानून इसके मेडिकल और लीगल आस्पेक्ट पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं मारूफ वकील और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के को चेयरमैन जनाब हिमाल अख्तर साहब और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टर गगन हन साहब आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तेमाल है आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे सबसे पहले मेरा सवाल होगा गगन हंसर से डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो आखिर इलाज हमारे मुल्क में हर बीमारी का होता है इस कानून की ऐसी क्या ज़रूरत थी हमारे देश में कि बाकायदा एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट दो हज़ार सत्रह गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए की खाएगा देखिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में इसलिए लाया गया क्योंकि ये नीड uh, फील की गई कि जो पुराना मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कि 1987 का मेंटल हेल्थ एक्ट है उसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनकी इंडिविजुअलिटी और उनके फ्रीडम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जबकि ये फील किया गया कि लोगों के जो राइट्स हैं जो एक्ट है वो कि एक राइट्स बेस्ड एक्ट होना चाहिए जिसके बेसिस पे लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा फ्रीडम इंडिपेंडेंस हो कि वो ना केवल अपने मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट के बारे में बल्कि इस बारे में भी और खुल के फ़ैसले ले सकें कि वो कैसे चाहेंगे कि उनका ट्रीटमेंट हो वो कैसे चाहेंगे कि उनकी लाइफ कैसे रहे उनको इस चीज़ का फ्रीडम दिया जाए कि ना केवल उनके पास एक्सेस हो ट्रीटमेंट का बल्कि उनको कम्युनिटी लिविंग और उनको अपनी uh, uh, मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ का जो राइट right है वो एक प्रॉपर तरीके से दिया जाए डिग्निफाइड लाइफ भी और डिग्निफाइड इलाज भी इलाज भी या हर तरीके से या किसी भी तरह से उनका इलाज नहीं किया जा सकता एक बाकायदा और इज़्ज़त के साथ उनका इलाज किया जाना जरूरी है बिल्कुल ये हुकूमत ने कोशिश की है इसके अलावा और भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसका एक लीगल पहलू जो होता है क़ानूनी पहलू वो जानने की कोशिश करेंगे हिमाल सर से हिमाल साहब इस कानून के तहत कानून तो पहले भी हमारे पास उन्नीस में था लेकिन उसके बाद 2017 में जब हम ये कानून लेकर के आते हैं तो कौन सी ऐसी नई बातें होती हैं जैसे इसमें हमने देखा कि जो सुसाइड है उसको एक बाकायदा जुर्म करार दिया गया ऐसी कई सारी इसमें चीजें थी मैं चाहूंगा आप उस पर रोशनी डालें देखिए यू ने एक यू का एक प्रपोजल आया और फर्स्ट अक्टूबर दो को एक कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया जी और उसकी उसी की बुनियाद के ऊपर वो यू में जो रेजोल्यूशन हुआ 2008 में हुआ और उसी बेस के ऊपर 2017 में ये एक्ट आया देखिए हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है जब तरक्की करता है तो हिंदुस्तान के हर शहरी की हिफाज़त करना उसके पूरे राइट्स देना ये हमारे मुल्क की ज़िम्मेदारी हो जाती है आइन की जिम्मेदारी हो जाती है तो पहले इस तरह से स्पेसिफाइड नहीं था जिस तरह से यू के प्रपोज़ल पर ये आ, आ, हमने जो कन्वेंशन साइन किया और उसके बाद ये एक्ट लेके आए मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मेंटली इल आदमी है क्योंकि मेडिकली uh, तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे लीगली मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्ट में एक सेक्शन हंड्रेड डिफाइन किया गया है और उसमें जो लोकल एस है या एसओ होता है उसके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि अगर उसके इलाके में उसकी जूरी में कोई शख्स मेंटली इल है और वो घूम रहा है या उसकी फ़ैमिली ने या उसके रिश्तेदारों ने उसके बच्चों ने उसे अबेंडेंड कर दिया है तो उसकी ज़िम्मेदारी एस एच ओ के ऊपर आती है कि बाकायदा तौर पर उसकी रिपोर्ट लिखे और उसको उस इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाए उसकी फैमिली को ढूँढे ये ज़िम्मेदारी उनके ऊपर लगा दी गई है तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक इंडिकेट है कि एक एक ऐसा तबका जिसको नज़रअंदाज किया जाता था इस एक्ट की वजह से उनको उनके राइट डिग्निफाइड जिंदगी मिलने का एक ज़रिया बनेगा ज़रिया बनेगा गगन जी क्या जिस तरीके से सर ने कहा कि एस की भी जिम्मेदारी है क्या इस कानून के तहत दो हज़ार वाले के सोसाइटी के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा दी गई है पहले इंस्टीट्यूशन की हम बात किया करते थे और अब जो है पूरे समाज को भी जिम्मेदार बनाया गया उनको लेकर के सरकारों के साथ साथ देखिए समाज की जिम्मेदारी तो हमेशा से थी क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इस तरह से समझना चाहें कि सामाजिक जिम्मेदारी तो हमेशा रही है बट इसको कानून में ला के और इसमें लोगों की राइट्स को और ज़्यादा बढ़ा के मतलब उनको इस चीज़ का ज़्यादा फ्रीडम दे के कि वो किस तरह से चाहेंगे अपनी ज़िंदगी जीना एक डिग्निफाइड तरीके से और उनको एक्सेस देना इस चीज़ का कि आपके पास आ, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफ़र करते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना तो आ, एक तरह से इंडिविजुअल के ऊपर फ्रीडम जो है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है और समाज की जिम्मेदारी तो मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा वो पहले भी थी वो अभी भी है और इस एक्ट के तहत आ, उसमें कोई ज्यादा जो चेंज है उसको हम नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशंस की जहां हम बात करते हैं इलाज की जहां बात करते हैं कानून क्या कहता है कि अब हमें और हॉस्पिटल्स बढ़ाने पड़ेंगे या हर अस्पताल के अंदर एक शोभा होना चाहिए इस तरह का कानून के तहत किस तरह से फैसिलिटीज को बढ़ाया गया है इस तरह के इलाज में खासतौर से मेंटल हेल्थ देखिए जहाँ तक हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो जब नेशनल मेंटल हेल्थ जो जो आया था एन एम एच पी नैशनल मैंटल हेल्थ पॉलिसी जो आई थी नाइनटीन ऐटी टू में जो प्रोग्राम आया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नाइनटीन ऐटी टू में तो उसमें ये चीज़ उसी टाइम इन्विज़न करी गई थी कि जो लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है क्योंकि हमारे पास इस शोबे में इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं हैं तो उस टाइम ये इन्विज़न किया गया था जो हमारा ऑलरेडी से इस्टेबलिश सिस्टम है पी और सी का उसके थ्रू हम डॉक्टर्स को ट्रेन करके ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपनी पॉपुलेशन को और उसमें से जो मरीज़ ऐसे होंगे जिनको कि बिल्कुल स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होगी उन पेशेंट्स को रेफर किया जाएगा बिल्कुल हायर सेंटर्स पे जबकि ये था कि मेनली जो ट्रीटमेंट होगी वो इस लेवल पे प्रोवाइड की जाएगी डेफिनेटली इस एक्ट में ये प्रोविज़न तो आ, बनाया गया है कि मतलब लोगों के लिए और ज़्यादा सर्विसज़ के लिए और ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ बट uh, ये एक स्लो प्रोसेस है हमें ये समझना पड़ेगा इट्स नॉट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत जल्दी की जा जाती है, एक है की भी जरूरत, जरूरत है।, है और बड़े देश है बड़ी आबादी है उसके लिए जरूरी है हिमाल सर किस तरह के राइट्स की बात कर रहे हैं हम अगर हम मेंटल हेल्थ की या मेंटल इलनेस जिसका अगर कोई शिकार देखिए किस तरह के राइट्स होते हैं पहले भी एन काम करती थी लेकिन इस एक्ट के आने से चीजें रेगुलराइज हो गई हैं सिस्टेमेटिक तरीके से हो गया है जैसे सपोज एन जी वगैरह जो काम करती हैं जो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं इसमें एक बोर्ड की बात कही गई है बोर्ड बनेगा उन तमाम चीज़ों को लुकाफ्टर करने की जिम्मेदारी उस बोर्ड की होगी उसमें एक सी होगा और देखिए ये एक बात जरूर है ये प्रॉब्लम तो पहले भी होती थी लेकिन आप इस बात को इस इस तरह समझ लीजिए कि मेंटली इल इंसान जो होगा वो खुद को लुकाफ्टर करने की पोजीशन उसकी नहीं होती है कल अल्टीमेटली उसमें जो ड्यूटी बनती है वो स्टेट की बनती है अब स्टेट उसमें किस तरह प्रोवाइड करा पाता है मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो एक्ट बना है ये भी पूरा नहीं है इसमें भी पूरी चीज़ें नहीं है हमारे पास हॉस्पिटल्स में स्पेशल जैसे अभी आपने बात की इस स्पेशल वार्ड नहीं है हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन ये एक उस तरफ एक अच्छी शुरुआत है मैं समझता हूँ कि जो जो आ, अच्छी सिविलाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हर शहरी की आ, को डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने का चाहे वो मेंटली इली क्यों ना हो उसका अपना फंडामेंटल राइट है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इस बात की गारंटी दी गई है ये उसकी तरफ एक पहल है मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है।, है।, है ये ये बहुत कुछ नहीं है लेकिन इस तरह समझ लीजिए मेरा मानना ये है कि जैसे किसी शहर में आग लगी हो और कोई एक चिड़िया चोंच में पानी लेके आग बुझाने की कोशिश कर रही हो इतना है लेकिन शुरुआत है मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ यूथ में कितनी परेशानियाँ इस तरह की आ रही हैं अगर हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो आपके पास जो केसेज आते हैं उसमें आप क्या देखते हैं क्या हमारे देश के अंदर यूथ के अंदर मेंटल इलनेस बढ़ी है पहले के मुकाबले या स्ट्रेस है या फिर कुछ और है? Uh, यूथ में डेफिनेटली स्ट्रेस का लेवल जो है वो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ चुका है क्योंकि कंपटीशन है परफॉर्मेंस का दौर है आपको परफॉर्म करना है और आपको ऊपर कहीं तरह के और भी स्ट्रेसेस हैं जिससे कि ये मैनिफेस्ट होता है क्योंकि और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यूथ की अपनी एस्पिरेशंस अपनी लाइफ से वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं सबको लाइफ में बहुत अच्छा करना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना अच्छा करना कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है यूथ के लिए तो डेफ़िनेटली जब हम देखते हैं पिछले कुछ समय में यूथ में आ, स्ट्रेस से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ परेशानियां हैं जिसमें कि एंजाइटी डिप्रेशन या सब्सटेंस यूज़ जो कि कई तरह की आ, नशे की की लत हो जाती, है, है, हो जाती है उसकी जो प्रेवलेंस है वो बढ़ चुकी है और ये आ, इसका काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव जो है ना केवल उनकी आ, मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है बल्कि उनकी वो ओवरऑल क्या अचीव करेंगे लाइफ में इस पर भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से इसका समय पे निदान करना और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता हमारे है हमारे व्यूवर्स के लिए मैं चाहूँगा कि कुछ आप मैसेज दे सकें वो जान सकें कि अगर कहीं पर भी बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव है चाहे पढ़ाई का हो या कॉम्पटिशंस का हो या अगर किसी को कहीं नशे की लत भी अगर नज़र आ रही है क्या इमीजिएट उनको कोशिश करनी चाहिए कि बाकायदा डॉक्टर को जाकर के वो दिखाएं या वो अपने तरीके जो अपनाते हैं कि नहीं इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इस तरह से कुछ कम हो सकता है देखिए जहाँ तक सवाल है जब एक बीमारी होती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में ये सोचना कि समय के साथ ये अपने आप ठीक हो जाएगा ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है बिल्कुल समय रहते अगर आपको इस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है परफॉर्मेंस वैसी नहीं है अपनी सेल्फ केयर वैसी नहीं है या डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन गुस्सा बिल्कुल नियमित समय से बाहर जो है घर से बाहर रहना रात रात भर जागना मोबाइल का एक्सेस यूज़ करना आपको कुछ उसकी रूटीन से डिफरेंट लग रहा है तो डेफ़िनेटली आपको एक साइकाइट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए उसको दिखाना चाहिए और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं भी होता तब भी एक सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है और अगर कोई डेफिनेटली उसको रिक्वायरमेंट हेल्प की है तो समय पे डायग्नोसिस हो जाना और उसके बाद अ, ट्रीटमेंट हो जाना यानी वक्त पर दिखाएं तो, तो उसका इलाज आप करवा सकते हैं नहीं तो बीमारी गंभीर हो सकती है और जो है एक ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर सकती है मेंटल इलनेस में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जल्द से जल्द उस बीमारी को या उस स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश की जाए कहीं वो स्ट्रेस दबाव बनते बनते और ज़्यादा बीमारी की तरफ ना चला जाए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा अब रुख करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन का जहाँ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनके सवालों को हम आज इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी किसका सवाल है क्या पूछना चाहते हैं जी मेरा नाम बासली इलिया है मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ इश्यूज को फ़ेस कर रहा है तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर और उसकी डे टू डे लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है देखिए अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज फ़ेस कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और जहाँ तक हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये होता है कि उसकी फिज़िकल हेल्थ पे पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए बट इसमें ये चीज़ समझने की है कि रिकवरी यूजली जो ट्रीटमेंट के साथ होती है उसमें थोड़ा समय लगता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको आ, जो इंसान इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा पुश करना है उसको उसका समय देना है ताकि वो आ, आता आता जब ठीक हो और अपनी जो लाइफ है वो रिज्यूम कर पाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा नाम फाइज़ा है और मेरा आपसे एक सवाल है ये आ, आपने अभी जैसे बोला था कि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए मेडिकल हेल्प लेनी शुरू हो जाए उतने आने वाले फाइव टू सिक्स मंथ्स सीवियर डिप्रेशन के बचाए जा सकते हैं लेकिन आ, मैंने ये पर्सनली भी फील किया है जब मैं मेडिकल हेल्प लेने गई थी तो जो भी मेडिसिन थी मेरी या जो भी ट्रीटमेंट था मैं और उसमें इंडल्ज हो गई थी मैं बहुत लेजी हो गई थी बहुत ड्राउज़ी फील करती थी ना पढ़ पाती थी ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाता था तो वो मुझे और उस चीज़ में इंडल्ज करा था एंड देन व्हेन आई लेफ्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ मेडिसिन तो मैं उस चीज़ से खुद ही थोड़ा थोड़ा हील करने लग गई थी तो क्या इलाज ही ज़रूरी है या, या पेशेंट अपने आप भी इस इस चीज़ से बाहर निकल आता है देखिए इलाज के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इलाज के तरीक़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना साइकट्रिक ट्रीटमेंट के हिसाब से ये है कि एक समय का इलाज दिया गया आपका रेगुलर फॉलोअप जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया और उसको आप मतलब महीनों कुछ महीनों तक खा सकते हो बिना फॉलोअप करे हुए क्योंकि शुरू में जब दवा चलाई जाती है डेफ़िनेटली कुछ दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं टाइम लिमिटेड लेकिन अगर आप जाके दोबारा से क्योंकि जैसे पहली बार अगर आपको देखा जाता है तो दो हफ़्ते के बाद या एक हफ़्ते के बाद जब आपको वापस बुलाया जाता है तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं अपने ट्रीट ट्रीटिंग साथ के साथ कि मुझे ये सब साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं तो इस सब का सोल्यूशन है और इसके साथ साथ साइकोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल uh, हो सकता है जिससे कि ट्रीटमेंट uh, की जा सकती है uh, मरीज़ों की जिनको डिप्रेशन रहता है और uh, ये जब साइड इफेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं uh, ये साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली जो है जब आप सब्सिक्वेंटली विजिट्स पे जाएंगे तो इन सब का टेक केयर किया जाता है और दवाएँ छोड़ देना यूजुअली uh, ऐसा नहीं है कि उससे आप ठीक फील करते हैं कुछ समय के लिए हो सकता है क्योंकि देखिए जो दवाएं हैं उनको असर लेने में भी चार से छः हफ़्ते लगते हैं और उसका असर जाने में भी चार से छः हफ्ते लगते हैं तो शुरू में जब आप दवा स्टार्ट करते हैं या दवाई खाना शुरू करते हैं तो उसमें चार से छः हफ़्ते लगते हैं कई लोग जिनको ये चीज़ ना समझाई जाए तो वो रेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं कि आराम नहीं आ रहा है और जैसे चार से छः हफ़्ते में किसी ने दवा खाई उस थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया उसको लगा कि अब मुझे ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं मुझे छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ने के बाद भी चार से छः हफ्ते लगेंगे आपको दोबारा से बीमारी की स्थिति में जाने में यानी एकदम आप अपने मशवरे से ना छोड़ें या तो आप कोर्स को कंप्लीट करें नहीं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसके अंदर आप आगे बढ़ें क्योंकि मेंटल हेल्थ का सवाल है अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे सर मेरा नाम उस्मान आज है सर विद द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एरा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटकम ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन एंड थेरेपीज देखिए टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी को आप इस तरह से समझिए कि ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप एक बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जहाँ तक ट्रीटमेंट में इसका सवाल है इसका कुछ योगदान देना तो डेफिनेटली कुछ आ, आ, ऐसी टेक्निक्स है लेकिन उन पर अभी काम किया जा रहा है वो कुछ इस्टेब्लिश टेक्निक्स नहीं है ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ हेल्प के साथ या फिर आप इंटरनेट पे आपने सिम्टम्स देख के अपनी हेल्प करने की अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड है जिसको कि अभी डिस्करेज करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है कि अगर आप खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दें चाहे वो किसी भी बीमारी का हो और अगर आप इंटरनेट के जरिए उसको शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे जो नतीजे हैं वो खराब भी हमारे सामने आए हैं सर मेरा नाम विदुषी रंजन है मेरा सवाल वकील साहब से है मैं सर पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने सेक्शन हंड्रेड की जो बात की थी कि ड्यूटी एस के ऊपर भी है तो सर मुझे जानना है उसकी एग्जीक्यूशन के चेक के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं क्योंकि एक लॉ का होना और उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने में बहुत डिफरेंस है इंडिया में बहुत सारे लॉज होते हैं जहां पर हमने फॉरेन कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ा हुआ होता है बट उनकी एग्जीक्यूशन में वी फेल तो मुझे जाना है उसके एग्जीक्यूशन के चेक के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं जी हिमाचल देखिए एक चीज़ तो मैं बता दूं आपको जो आपका इशारा है वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्लेंट करने वाला तो ज़रूर होना चाहिए नंबर वन जैसे सेक्शन हंड्रेड की मैंने बात की एस की ड्यूटी है आपके एरिए में अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मेंटली इल आदमी घूम रहा है इंसान घूम रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप एस को जाके थाने में जाके एक रिपोर्ट करा दें तो फिर वहाँ से जब आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उसकी एस की ड्यूटी शुरू हो जाती है और अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्ट में बोर्ड का प्रोविजन भी है बोर्ड होगा वो लुक आफ्टर करता है लेकिन अल्टीमेटली देयर मस्ट बी समबडी टू मेक ए कंप्लेंट तभी कोई एक्शन लिया जा सकता है छ महीने की सजा तक का प्रावधान है उसमें हो सकती है तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए हमें अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये है अगर आप तो होने वाले वकील हो तो आप एक शहरी जिम्मेदार शहरी हो आपका भी फ़र्ज बनता है समाज के हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि जैसे कुछ लोग फैमिली वाले छोड़ देते हैं इस तरह के मेंटली इल इंसान को या किसी के फैमिली नहीं होती है या किसी तरह से अपेन्डेंड करके रोड पे घूम रहा है तो अल्टीमेट आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम थाने तक आप खबर पहुंचा दें तो वहां के हिसाब से फिर जहां भी जिस इदारे में भेजना होगा जहां भी भेजना होगा वो एस एच यू की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी यानी पूरा एक सिस्टम दिया गया है, कि उस तो दिया गया से है। उसको लेकिन शेल्टर दिया उसको अल्टीमेटली आपके अंदर एक शहरी के अंदर ये जागरूकता तो पैदा करनी पड़ेगी कि आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता हो क्योंकि तमाम फैसिलिटीज और जितने एक्ट की बात कही गई है वो सब आप लोगों के लिए है और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि समाज का एक आदमी भी अगर इस चीज से इफेक्टेड है तो अल्टीमेटली कुछ कम हो सकता है लेकिन आपको इफेक्ट करेगा ठीक है ना और अब ये जिम्मेदारी स्टेट की है सरकार की है आपको अपने राइट लेने हैं अवेल करने हैं छः महीने की सजा की बात की आखिर किस सिचुएशन में छह महीने की सजा का प्रावधान दिया है गया देखिए ये है सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ फैमिली है और उन्होंने वो जो मेंटली इल आदमी है और उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं या उसको गल, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कोई कम्प्लेन कर देता है एफ आई हो जाएगी उसका प्रोजिक्यूशन होगा पनिशमेंट इज इज्स मंथ हेलो सर मेरा नाम हया फातिमा है और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है सर so, जैसे आपने कहा था कि हमारे पास एक्ट तो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बट उसकी प्रैक्टिकलिटी अभी भी नहीं है क्योंकि सोसाइटी में ये सब्जेक्ट अभी भी एक टैबू है तो उस स्टिग्मा को चेंज करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं सर देखिए स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ जो इश्यूज uh, हैं उससे रिलेटेड uh, कोई नया नहीं है ये बहुत uh, देर से uh, या बहुत सालों से हमारी सोसाइटी में है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसे कि लोगों में uh, एजुकेशन uh, कैसा है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है uh, तो स्टिग्मा को जहाँ तक कम करने की बात है तो इसके इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो काम करती है होलिस्टिक अप्रोच इस तरह से कि जहाँ ना हम केवल मेंटली uh, इल लोगों की राइट्स के बारे में बात करें वहाँ उसके साथ साथ हम ये भी बात करें कि एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो Uh, कमज़ोर लोग सोसाइटी uh, में हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर uh, जो लोग अपने uh, राइट्स के बारे में खुद नहीं लड़ सकते उसके उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ uh, जो भी सोसाइटी uh, में सोशल ईवल्स होते हैं जैसे कि सोशल ईवल्स लाइक सिस्टम्स विच आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी जो कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप कैसे जो है स्टिगमेटाइज uh, करें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसमें कि मेंटली इल पीपल भी हो सकते हैं ओके okay? सो so, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना है जहाँ पे लोगों का सोशो इकोनॉमिक हमें देखना है कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी टेकन केयर ऑफ है उनका एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है वेमेन एम्पावरमेंट हो रही है जी बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो इसके साथ साथ जब हम एक होलिस्टिक व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे डेफिनेटली कि ये जो जो स्टिग्मा अगेंस्ट साइकैट्रिक कंडीशन है ये भी आहिस्ता आहिस्ता जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम के हम आखिरी दौर में हैं और हमारे पास समय बहुत कम है मैं आंकड़ों से भी जानना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे देश में आंकड़े क्या कहते हैं क्या ये जो मेंटल इलनेस है हमारे जो मरीज हैं उनको सुसाइड की तरफ ले जाती है क्या सुसाइड का रेट हमारे यहाँ इसकी वजह से बढ़ा है या इसको हम कंट्रोल इस एक्ट के बाद आने की बात कर सकें देखिए जहाँ तक सुइसाइड की बात है या आंकड़ों की बात है तो आंकड़े यही बताते हैं कि आ, हमारे देश में जो प्रेवलेंस है मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड और इट इज़ ऑन द राइज और जैसे हम सुइसाइड की बात करेंगे तो हमारी सुइसाइड का जो रेट है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और उसमें एक बहुत हैरान कन करने वाली, वाली बात यह है कि ये यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाता है कि ये एल्डर uh, इंडिविजुअल्स में ज़्यादा रहता है बट जो सुइसाइड रेट है वो हमारी पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है और ये एक अपने आप में एक देखा जाए तो खतरे की खतरे की घंटी है और इसमें मेंटल इल्सेस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है कि जो यूथ हैं जो हमारे लिए इतना प्रेशियस रिसोर्स हैं जो कि ड्राइविंग फोर्स हैं हमारी कंट्री का सो so, uh, उनमें अगर ऐसी चीजों की uh, इस तरह की भावना है, अगर पैदा होती है या इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है तो, बढ़ रही है, तो, तो हमें डेफिनेटली इसके ऊपर uh, जो है सोच विचार करके इसमें जितना हम कम इसको ला सके जी हिमाचल कम... से इसके अंदर सोसाइटी जो सुसाइड है उसको उन्होंने कहा कि अब ये जुर्म होगा क्या यही वजह थी इसके अलावा कोई और वजह भी रही कानून बनाने की नहीं इसको देखिए सुसाइड तो हमेशा से जुर्म रहा है लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज हो रही है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम स्पेसिफिक फील्ड पकड़ रहे हैं और चीज़ों को स्पेसिफाइड करके उनको एक सोसाइटी को कैसे उनके राइट्स दिए जा सकें वो उसकी वजह से ही ऐसा है उसकी वजह से ऐसा किया गया है तो नाजरीन हर तरीके से कोशिश की गई है कि मुल्क के हर शहरी को उसके हकूक़ हासिल हों और ना सिर्फ वो लोग जो तंदुरुस्त हैं बल्कि वो लोग जो कहीं ना कहीं जहनी या जिसमानी बीमारी का शिकार हैं उनके हकूक़ को भी तहफ़ देने की भरपूर कोशिश की गई है ताकि वो लोग भी ठीक हों और समाज की तमीर में अपना किरदार निभाएँ आज की इस पेशकश में हमारे माह्रीन ने शिरकत की उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं तमाम स्टूडेंट्स का भी शुक्रगुजार हूं और आप लोगों ने भी आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा आज के इस प्रोग्राम को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुतल कुछ अहम मालूम के साथ अगले मौजू के साथ फिर अगले हफ्ते हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त आधा